मैं इंटरव्यू थोड़ी ले रही हूँ जो डर रहे हो। गोरा जो कल हम घर के अंदर लेके गए थे, आज बाहर भी निकालते हैं उनको और फिर पूजा जाता है और उनकी सौतन बनाई जाती है। सौतन बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन इसके बारे में मुझे कहानी अच्छे से बतानी है अभी। तो अभी मैं किससे पूछूंगी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी अगर कोई मुझे मिल गया बताने वाला। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे अभी पुराने में नहीं हूँ, थोड़ा सामान ले और एक सिर्फ चाबी खुल गई है, पता नहीं कौन सी चाबी है। तो मैं अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्ट यहीं पर कर रही हूँ। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं यहाँ साफ किया था और आज फिर से बारिश की वजह से उतनी ही मतलब घास और फिर से हो गई है। तो अभी जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी मैं नीचे से चल के आई और यहाँ बारिश हो रही है तो इसी वजह से मुझे यहाँ से पन्नी ले जानी है बड़ी वाली ताकि हम हमारा जो छत है उसमें बांध सके और बाद में फिर सही हो जाए मतलब जब हम गौरा देवी को बाहर निकालेंगे ना। तो मुझे चाबी नहीं मिली, एक बार मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी को कि कौन सी चाबी लेकर और कौन से रूम है। मम्मी कहती पहले बाहर से आवाज़ मतलब दरवाजे में मारना उसके बाद अंदर जाना क्योंकि ये बहुत मतलब बंद रहते हैं हमारे यहाँ दरवाजे तो सांप वहाँ भी हो सकते हैं करके। तो मुझे वो भी डर लग रही है लेकिन चलो एक बार मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी को कौन सी चाबी क्योंकि ये खुल नहीं रहा है तो फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। और फाइनली ये मेरे से खुल गई, मम्मी को फ़ोन करने वाली थी मैं कि ये मेरे से खुल गया है। अब मम्मी कहती है इसको पहले आवाज़ करना ताकि सांप वाप भी होते चले जाए और होते हैं कि मुझे वही डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है अंदर कोई है। मैं बाहर से आवाज़ लगा रही हूँ पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। अच्छा इसके अंदर तो मम्मी ने घास रख रखा है, पता नहीं क्या क्या है। तो गाइस हम पहले ही साली रूम में रहते थे और सोते थे यहीं, खाना पीना होता था और ऊपर लुकआउट का रखा था, यहाँ घास रखा था। मुझे यहाँ पन्नी वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये है गाइस दूसरा रूम और मुझे वो पन्नी मिल गई है इसमें है। और जो ये बिस्तर आप देख रहे हो लगा हुआ ये हमारे ट्रैक्टर चलाते थे भैया, उनका है शायद से, वही रहते थे यहाँ। तो उन्होंने ये इस सीजन तो वो आए नहीं लेकिन उन्होंने ये बिस्तर उठा के नहीं गए, ये ऐसे ही है। मैं तो आज ही आ रही हूँ इसके अंदर और मुझे बहुत सी डर जैसी लग रही है। मम्मी कहती थी सीधे उठाना मत पन्नी, पहले उसको हिलाना उसके बाद उठाना। तो मुझे थोड़ा डर जैसी लग रही है तो गाइज मैं इसको बाहर भी ले जाती हूँ। मैंने ताला वाला लगा दिया है, अब बारी सारी मुझे छाता भी पकड़ना है और पानी भी पकड़ दिया है। तो मिलती हूँ मैं आपको सीधे अब अठवाली में जिस टाइम हम भी बारिंगे बारेंगे तो उससे मिलती हूँ। उसके बाद फिर शायद से थोड़ी देर में जब लोग आने स्टार्ट होंगे उसके बाद स्टार्ट होगा तो फिर थोड़ा नहाना धोना है उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे सीधे घर जाकर। तो गाइस हम यहाँ पे बांधने की तैयारी कर रहे हैं, बारिश आ रही है। पहुंचना भी चाहिए पीछे वाले में। गाइस बारिश आ रही है तो अठवाली के लिए तैयारी हो रही है। मैं रेडी होके आ गई हूँ और
मैं दूसरी सूट लेके आई थी, आज मैंने दूसरी सूट पहनी है। और ये जतिन है, भाग रहा है। अरे अंकु है। और मौसम अभी बारिश रुक रखी है। गोरा को तो आगे बाहर निकाल दिया था, उस टाइम मैं तैयार नहीं हुई थी, मैंने कपड़े नहीं पहने थे, मतलब तो नहा के बाहर आई थी। और मैंने बाल भी नहीं बनाए, बाल ऐसे ही रह दूँगी। अभी चाय वाय बनानी है, मैंने चाय चढ़ा के मैं बाहर पे आई हूँ। हल्की हल्की आ रही है, अभी बारिश नहीं आई। और अभी बारिश की वजह से कोई लोग भी नहीं आए, नहीं तो इतनी भीड़ होती थी। आज कोई भी नहीं आ रखे हैं, तो ऊपर साइड को अभी गोरा बाहर पे निकाल दिए हैं। तो चलो मैं किसी को देती हूँ फ़ोन, ये जतिन लोग हैं, भैया लोग हैं छोटे, तो उनको देती हूँ, बना देते हैं तो ठीक है। नहीं तो अभी चाय बनाती हूँ मैं लोगों के लिए, उसके बाद फिर मैं खुद ही बनाऊँगी। तो गाइस अभी उजड़ेल बच्चा आके यहाँ पे बैठा है, वहाँ पे खेल लगे हैं अष्टमी के, और हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं। ये मेरे लिए कुरकुरा लाया ना, ये मेरे लिए बलवागुड़ से कुरकुरा लाया है, लेके आना अभी। ठीक है, सुबह से कह रहा है लेके आऊँगा लेके आऊँगा, अभी तक नहीं लाया, लाएगा ना? ठीक है, पक्का? ठीक है, डन डन, जा लेके आके पहले फिर बनाऊंगा वीडियो। चले गए, चल जल्दी आना। अच्छे से बैडमिंटन दर्द हो रही है, गिरेंगे तो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी मैं खेल देख रही हूँ, मैंने बनाई है वीडियो, खेल के अलग डालूंगी क्योंकि वो बहुत लंबी बनी है, इसलिए तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम सौतन लेने जा रहे हैं अभी गौरा देवी की, ये भी है साथ में। हमारा घर वो नीचे पे है, तो हम अभी ऊपर आ रखे हैं लेने के लिए। तो ये भी हमारे साथ में, इसको मार देती हूँ मैं अभी, इतना गंदा लड़का है ये। तो अभी बनाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। यारो लग रहे थे बताओ, इसके बारे में बताओ। क्या है ये? क्या है ये? कमरा पाता है, जल्दी बताओ। मैं इंटरव्यू थोड़ी ले रही हूँ, जो डर रहे हो। भूल गई हूँ, कमरा माता की सोता आ रही है। कमरा माता की सोता नहीं, हस्बैंड आ रहा है, हस्बैंड आ रहा है, हस्बैंड सोता है, हस्बैंड वाल। ये बताने वाले भी गलत है और इन्होंने व्रत रखा इस चीज का। बराती भी ऐसे है, आवाज भी मुंह के अंदर ही आ रही है इनके। Thank you.
दिखा दो कैसा आ रहा है। गाइस गोरा हो गई है और सभी लोग चले गए हैं, तो मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ क्योंकि एक ही साथ डालने में वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इस वजह से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।